दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका मोबाइल है इसके अंदर आपकी जो जीमेल अकाउंट है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका भी जो जीमेल अकाउंट है और आपके मोबाइल से या किसी भी मोबाइल से आपको रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलो जल्द से जल्द वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब दोस्तों आपकी जो मोबाइल की सेटिंग है इसी में आ जाना है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आपको इसमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप ऊपर यहाँ पे देखते हो सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे चलता हूँ मैं और यहाँ पे देखते हो अकाउंट सेंसर का एक ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। मैं यहाँ पर इस पर करता हूँ क्लिक, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर से आपको थोड़ा नीचे चलना है, नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे गूगल का, तो आपको इस गूगल के ऑप्शन पर करना है क्लिक। मैं यहाँ पे जैसे ही गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ जो भी मेरी जीमेल अकाउंट है यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाती है। अब आपको जिस जीमेल को आपको यहाँ से रिमूव करना है उसी जीमेल को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं एक जीमेल को यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, उस जीमेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखती हो अपनी जीमेल शो होने लग जाती है और नीचे यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, तीन बिंदु है, इसी पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं रिमूव अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस रिमूव अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस रिमूव अकाउंट पर करता हूँ क्लिक, जैसे ही क्लिक करता हूँ रिमूव अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो फिर से आपको यहाँ पर रिमूव अकाउंट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी जीमेल अकाउंट है यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप फिर से किसी मोबाइल में ओपन करना चाहते हैं, यानी जो आपकी जीमेल अकाउंट है उसको आप लॉगिन करना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी जो मोबाइल की सेटिंग है इसी को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी सेटिंग ओपन हो चुकी है, फिर से आपको थोड़ा नीचे चलना है, नहीं तो आप ऊपर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको गूगल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखते हो अकाउंट सेंसर के ऊपर में यहाँ पे इस गूगल के ऑप्शन पर करता हूँ मैं क्लिक। जिसे दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे लोडिंग होगा, लोडिंग होने तक आपको वेट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे देखते हो जो जीमेल का अकाउंट है इसी पर करना है क्लिक। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे ले लेना है और नीचे आपको देख लेना है, देखते हो ऐड अदर अकाउंट का एक ऑप्शन है, इस ऐड अदर अकाउंट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा, जो आपका फिंगरप्रिंट लॉक है या स्क्रीन लॉक है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्या थोड़ा वेट कर लेना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है। फिर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी जीमेल अकाउंट है वो आपको यहाँ पर क्या है इंटर कर देना है। तो मेरी जो जीमेल अकाउंट है मैं यहाँ पे वो इंटर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं जो मेरी जीमेल अकाउंट है यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आपको इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर करना है क्लिक। मैं यहाँ पे जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, फिर से थोड़ा लोडिंग होता है और जो आपकी जीमेल अकाउंट है यहाँ पे नेक्स्ट पेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पेज देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या है पासवर्ड का बोला जाता है, तो पासवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको एंटर करने के नेक्स्ट पर ही क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका जो पासवर्ड है याद नहीं है तो आपको कैसे लॉगिन करना है, तो फिर आपको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखते हुए फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, तो आपको इस फॉरगेट पासवर्ड पर करना है क्लिक। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ फॉरगेट पासवर्ड पर, तो थोड़ा लोडिंग होगा, तो आपको वेट कर लेना है और आपका पासवर्ड बगैर ही आपकी जो जीमेल अकाउंट है आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कैसे लॉगिन कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और पूरा आपको पता चलने वाला है। फिर आपको यहाँ पे देखते हो एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, देखते हो दो स्टेप वेरीफाई फोन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर लास्ट का अंक यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसी पर मैं करता हूँ क्लिक ताकि जो मेरा मोबाइल नंबर पे कोड आ सके और जो स्टेप है तो वो यहाँ पे वेरीफाई हो सके। तो यहाँ पे मेरा एक स्टेप जो है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, अब यहाँ पे हम दूसरा जो स्टेप है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से लोडिंग होता है और यहाँ पे मेरी जीमेल यहाँ पे अकाउंट दिया गया है यहाँ पे रिक्वायर, तो इसी पे मैं करता हूँ क्लिक ताकि जो जीमेल अकाउंट पर मेरा यहाँ पे कोड है वो आ सके, ठीक है। इंटर कोड का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे मेरी जो जीमेल अकाउंट में इंटर कोड आ रहा है मैं इसी को यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, आपको इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर करना है क्लिक। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर लेता हूँ तो फिर से थोड़ा लोडिंग होगा, तो आपको फिर से वेट कर लेना है और आपकी जीमेल बड़ी ही आसानी से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी।
फिर दोस्तों कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलता है, आप कंटिन्यू करोगे तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसी पर करते हैं क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, कंफर्म पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यानी जो आपका पासवर्ड है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड है यहाँ पर आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे जो मैं अपना पासवर्ड रखना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों शो पासवर्ड का एक ऑप्शन है, इसी पर यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आई एम एग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको आई एम एग्री पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो फिर से आपको थोड़ा लोडिंग होगा, और फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। और यहाँ पे देखते हो जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे देखते हो गूगल, यहाँ पे जो यहाँ थोड़ा लोडिंग होने रहा है, ये होने के बाद जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका जीमेल अकाउंट है रिमूव भी कर सकते हैं, और आप किसी भी मोबाइल में ओपन भी वापस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।